हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन का। टॉपिक है अपन का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। कौन सा टॉपिक है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। डन। एंड वेरिएशन। एनसीईआरटी 12th। डन। इसमें भी अपन का सब टॉपिक कौन सा होगा? सब टॉपिक यहाँ पे अपन बात करेंगे, इसमें डिस्कशन करने वाले हैं जीन इंटरेक्शन की, यानी कि जीन के बारे में अपन इंटरेक्ट करेंगे, जीन का इंटरेक्शन कैसे होता है जेनेटिक्स में इंटरेक्शन। ओके, और जीन इंटरेक्शन में भी अपन एक टॉपिक बात करेंगे, उसमें वन जीन इंटरेक्शन की। सब टॉपिक इसका क्या है? वन जीन इंटरेक्शन, वन जीन इंटरेक्शन। ओके, यानी इसमें सिंगल जीन का इंटरेक्शन होगा। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे जैसे ये अपन का एक जीन हो गया, और इसका इंटरेक्शन किसके साथ होगा? ये एक स्मॉल जीन होगा। ओके, यानी कि ये डोमिनेंट फॉर्म हो गया इसका। ये हो गया जीन का कौन सा फॉर्म हो गया? डोमिनेंट। ये हो गया डोमिनेंट वाला, डोमिनेंट फॉर्म। एंड ये वाला कौन सा पार्ट हो गया? रिसेसिव। ओके, दोनों में ये दोनों सेम जीन है, इसलिए इसका नाम क्या इसका आएगा? नॉमेनक्लेचर में अपन यहां पे देखेंगे इसका, वन जीन इंटरेक्शन में इसको क्या बोलेंगे? इंट्राजेनिक। इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। क्योंकि ये दोनों सेम जीन के बीच में हो रहा है इंटरेक्शन, इसीलिए इसको बोलेंगे इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। इसका एक और नाम होगा एलेलिक इंटरेक्शन। एलेलिक इंटरेक्शन, क्योंकि ये सेम जीन है और सेम लोकेशन पे है। ठीक है, ये दोनों क्या है? सेम लोकेशन पे। होमोलोगस क्रोमोजोम जब होगा उसके सेम लोकेशन, ओके, सेम लोकेशन ऑन होमोलोगस क्रोमोजोम। ओके, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इंट्रा एलीलिक इंटरेक्शन। डन। एलीलिक, अगर सेम लोकेशन नहीं होगा तो नॉन एलीलिक हो गया। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे? वन जीन इंटरेक्शन का नाम और क्या क्या इसको हो सकता है? इंट्राजेनिक, यानी कि सेम जीन के बीच में हो रहा है, इसलिए इसको इंट्राजेनिक बोलेंगे। और एलेलिक क्यों बोलेंगे? इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सेम लोकेशन होमोलोगस क्रोमोजोम पे हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे एलेलिक इंट्रैक्शन। डन। इसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं वन जीन इंट्रैक्शन में क्या डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट अपन का इसमें और भी बहुत सारा है, लेकिन पहला टॉपिक अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, ये जो डोमिनेंस है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। पॉइंट क्या है, डिफिनेशन क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को, वो यहाँ पे अभी देख लेते हैं। जब यहाँ पे लिखो, राइट डाउन करो इसको, व्हेन टू डिसिमिलर When two dissimilar forms of gene are present together, okay, and dominant form is not able to express itself fully over इस पे रिसेसिव। ओके, ये हो गया इसका डिफिनेशन इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। ओके,
रिसेसिव फॉर्म। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसे कि दो यहाँ पे इसका कंडीशन क्या होना चाहिए, दो डिसिमिलर जीन होना चाहिए, ठीक है, फॉर्म ऑफ जीन होना चाहिए, वो दोनों साथ में होंगे। डोमिनेंट फॉर्म जो है वो फुल्ली मतलब एक्सप्रेस नहीं करे कर सकता है, वो मतलब एक्सप्रेशन जैसे है उसका डोमिनेंट कैरेक्टर है वो अपना एक्सप्रेशन रिसेसिव फॉर्म पे नहीं कर रहा है, तो यही यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया। ओके, इसको अपन ऐसे समझेंगे, जैसे ये सपोज ये आर हो गया, आर हो गया, ये हो गया डोमिनेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जब रेड ये वाला वाइट हो गया, सपोज इसका ये हो गया रेड, रेड का ये जीन हो गया और ये वाइट का, तो यहाँ पे जब ये क्रॉस करेगा तो यहाँ पे रेड होना चाहिए इसको, ओके, लेकिन ये कुछ और कलर हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पे कहने का इसका जो डिफिनेशन का मतलब है, ये रेड हो गया इसका जीन, ठीक है, जीनो टाइप इसका हो गया, ये हो गया फिनो टाइप और ये हो गया क्या, जीनो टाइप, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, जीनो टाइप। डन, तो ये जो मिक्स जब क्रॉस करेगा ये दोनों कैरेक्टर, तो इसको होना चाहिए क्या, रेड, क्योंकि ये डोमिनेंट है, डोमिनेंट यहाँ पे रेड है, लेकिन वो रिसेसिव पे वो पूरी तरह से अपना जो एक्सप्रेशन है वो नहीं दिखा पा रहा, और ये कलर कौन सा दे देगा, पिंक कलर, इंटरमीडिएट कलर कोई सा भी दे सकता है, पिंक, ठीक है, पिंक ब्लू कुछ भी कलर आ सकता है, तो यही यहाँ पे इसका डिफिनेशन का मतलब हुआ। ओके, तो ये अपन यहाँ पे क्या देखें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का यहाँ पे एग्जाम्पल ये हो गया, यहाँ पे इसको समझने के लिए। ओके, नेक्स्ट अपन इसमें बात करेंगे कुछ की पॉइंट, डन, उसके बारे में इसका, फिर उसके बाद एग्जाम्पल इसको देखेंगे, की पॉइंट्स इसको यहाँ पे नोट करो। पहला पॉइंट कौन सा होगा, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, ये जो F1 जनरेशन है इसको अपन यहाँ पे लिखेंगे, F1 जनरेशन जब क्रॉस होगा, अपन एग्जाम्पल अभी लेंगे इसका, F1 जनरेशन फिनोटाइप नॉट रिसेम्बल एनी वन ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंटल का फिनोटाइप। डन, ये इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट वाला जो पॉइंट है इसका, ये इम्पॉर्टेंट मार्क करो इसको, यानी जो F1 जनरेशन का जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप यानी कैरेक्टर या रेड पिंक जो भी होगा कलर, वो दोनों पेरेंट में किसी एक पेरेंट से नहीं मैच करेगा, वो कुछ डिफरेंट ही आ जाएगा, इंटरमीडिएट आएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, F1 जनरेशन फिनोटाइप इज इंटरमीडिएट। ओके, इंटरमीडिएट एंड यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, यानी इसका मिक्सन मिक्सर कैसा होगा, यूनिफॉर्म कंडीशन में मिक्स होगा। डन, थर्ड पॉइंट, इसको सम साइंटिस्ट ने क्या इसको बोला था, मोनो, सम साइंटिस्ट क्या इसको बोलते थे, कोई साइंटिस्ट ने इनको क्या बोला, मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव इंट्रैक्शन, ठीक है, इनहेरिटेंस, ओके, और इसको क्या बोला, F1 जनरेशन F1 जनरेशन फिनोटाइपिक ब्लेंडिंग,
यानी F1 जनरेशन का जो फिनोटाइप है, कलर जो है जैसे कलर का या फिर कैरेक्टर का, उसका मिक्सचर जो हो रहा है वो इसी इसका नाम यहाँ पे आएगा। डन। दो नाम इनको दिया साइंटिस्टों ने, मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस और F1 जनरेशन फिनोटाइपिक ब्लेंडिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ वन जो पॉइंट अपन का है, ये पॉइंट है इन F2 जनरेशन, यानी फ्लाइल 2 जनरेशन जब आएगा, इन F2 जनरेशन जीनोटाइप यानी जीन का, ठीक है, जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो सेम। ओके, सेम होगा रेशियो का, क्या होगा यहाँ पे 1:2, 2:1। ये रेशियो आपको ध्यान में रखना है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसे ही आपका यहाँ पे टर्म आए आपको ये रेशियो यहाँ पे इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना है, इसको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये रेशियो, इसलिए ये रेशियो को आप ध्यान में रखेंगे 1:2, 2:1। ठीक है, ये जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक दोनों रेशियो यहाँ पे सेम होगा। ओके, इसका अब अपन एग्जांपल देखते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल। एग्जांपल फर्स्ट जो है एग्जांपल अपन यहाँ पे लेंगे मिराबिलिस जलापा, ये फ्लावर कलर के लिए ले रहे हैं, इसको और क्या बोलेंगे, फोर ओ क्लॉक, फ्लावर का नाम और क्या है, फोर ओ क्लॉक, ये प्लांट का नाम है। ओके, या इसको और बोल सकते हैं गुल ए बांस, इसमें अपन क्या लेंगे फ्लावर कलर। सेकेंड जो एग्जांपल है एंटी राइनम, एंटी राइनम मैजस, इसका और क्या नाम होगा स्नैप ड्रैगन, फ्लावर, या इसको डॉग फ्लावर भी बोलते हैं। ओके, ये दोनों का यहाँ पे ले रहे हैं जो भी कंडीशन अपन यहाँ पे इसके लिए लेंगे, ये दोनों का फोर फ्लावर कलर। ओके, यानी कि फ्लावर का जो कलर है उसके लिए अपन यहाँ पे देखेंगे कंडीशन, जो अभी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो अपन ऊपर डिस्कशन किया ना उसको यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे आएगा रोल किसका, जैसे ये रेड कलर हो गया, रेड एंड वाइट, वाइट फ्लावर रेड फ्लावर। ओके, अब इसका जीनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप रेड का कैपिटल आर। ओके, और वाइट का स्मॉल आर। ये यहाँ पे राइट नोट डाउन करो, ये वाला वाइट क्या हो गया, ये फिनोटाइप हो गया, एक्सटर्नल कैरेक्टर जो दिख रहा है आपको आंखों से, फिनोटाइप। ओके, और जेनेटिक कम्बिनेशन से जो मिलके बना है, जिससे जो फिनोटाइप अपीयर हो रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, जीनोटाइप। ओके, और ये कॉम्बिनेशन कौन सा है, पेरेंटल, ये हो गया पेरेंटल। ठीक है, पेरेंटल हो गया ये। अब जब ये दोनों क्रॉस करेंगे अपन डिस्कशन जो कर रहे हैं ऊपर जो डिस्कशन हुआ, डन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये दोनों जब क्रॉस करेगा, ये पेरेंट दोनों क्रॉस करेंगे आपस में, क्रॉसिंग। ओके, तो फाइनल इसका प्रोडक्ट कैसा बनेगा, ये होगा प्रोडक्ट जो बनकर आएगा वो आएगा कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, ये दोनों में किसी एक से भी रिसेम्बल नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका कलर कैसा होगा, पिंक कलर, यही बात अभी अपन ऊपर में किए थे। ठीक है, दो डिसिमिलर फॉर्म ऑफ जीन होगा
ठीक है। और डोमिनेंट जो फॉर्म है, ये डोमिनेंट, ये रेड वाला डोमिनेंट जो है वो रिसेसिव पे फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा और डिफरेंट कलर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो की पॉइंट में अपन ने बात किया कि F1 जनरेशन का, जो F1 जनरेशन, ये कौन सा जनरेशन हो गया, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन का जो फिनोटाइप है, ये अपन का क्या हो गया, फिनोटाइप पिंक कलर, पिंक कलर क्या हो गया, फिनोटाइप। फिनोटाइप जो है वो दोनों में किसी एक से भी पेरेंट का जो है, पेरेंट से मैच नहीं करेगा। पेरेंट का कैसा है, रेड, ठीक है, ये रेड हो गया, सपोज ये मेल का हो गया एंड ये हो गया, सॉरी ये हो गया मेल का और ये फीमेल, फीमेल जैसे वाइट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से लिख लो, मेल फीमेल, डन। तो ये अपन यहाँ पे देखें क्या कि F1 जनरेशन जो है यहाँ पे दोनों से रिसेंबल नहीं करेगा, वही की पॉइंट में हम लोग डिस्कस किया। और F1 जनरेशन का फिनोटाइप जो है वो इंटरमीडिएट है, ओके, यानी कि ये ना तो रेड है ना वाइट है, ये पिंक कलर का, डिफरेंट कलर का आ गया ये फिनोटाइप, ओके। और अपन ने यहाँ पे डिस्कशन क्या किया था कि फिनोटाइपिक ब्लेंडिंग के बारे में, जो साइंटिस्ट ने बोला कि F1 जनरेशन जो है वो फिनोटाइपिक ब्लेंडिंग को, यानी कि ये फिनोटाइप जो है वो, ठीक है, पेरेंट का जो फिनोटाइप है उसको मिक्स करके डिफरेंट फिनोटाइप ला रहा है और यूनिफॉर्म तरह से मिक्स हो रहा है, ना कि वेरीगेटेड यानी डिफरेंट हल्का कर रहा है। अब इसमें जब ये F1 जनरेशन में सेल्फिंग होगा, यहाँ पे F2 के बारे में बात करेंगे, सेल्फिंग यानी सेल्फ क्रॉस, ठीक है, सेल्फ क्रॉस जब इसमें होगा तो क्या बनेगा अपन का, F2 जनरेशन, F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन का जब फॉर्मेशन होगा तो F2 जनरेशन यहाँ पे कैसे बनेगा, यहाँ पे इसको नोट डाउन करो, F2 जनरेशन में क्या आएगा, ये रहा आपका F2 जनरेशन। यहाँ पे पुन्नेट स्क्वायर का हेल्प हम अपन लेंगे, R, डन, ये हो गया, और यहाँ पे भी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब जो यहाँ पे पुनेट स्क्वायर में ये दोनों आर आर जो क्रॉस करेगा, ओके, ये क्रॉसिंग जब होगा तो क्या होगा, कैपिटल आर, कैपिटल आर। अब इससे स्मॉल आर का क्रॉस होगा तो क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, ओके। स्मॉल आर कैपिटल आर जब क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा इसमें, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर, ओके। तो यहाँ पे जो ये फॉर्मेशन बना, ये पुनेट स्क्वायर से अपन जो यहाँ पे डिलीवर किए, तो ये फॉर्मेशन क्या बनेगा, इसका रेशियो अपन यहाँ पे देखेंगे, जीनोटाइपिक रेशियो, नोट डाउन करो यहाँ पे, जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया, इक्वल टू कैसा होगा, एक जो होगा कैपिटल आर का होगा 1:2, टू किस में होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर का होगा, और वन कैसा होगा, स्मॉल आर रिसेसिव फॉर्म का। और फिनोटाइपिक रेशियो कैसा होगा, फिनोटाइपिक रेशियो यहाँ पे कैसा आएगा, वन, ये कैपिटल आर है तो कैसा होगा, रेड इज टू टू, ये वाला कैसा होगा, पिंक, पिंक होगा ये, ओके, पिंक, और ये वाला कैसा होगा, रेड कलर का, और ये वाइट, टू पिंक एंड वन वाइट, यानी कि रेशियो सेम है, ओके। यहाँ पे क्या अपन ने बोला था पॉइंट में कि रेशियो जो, तो जीनोटाइपिक का रेशियो और फिनोटाइपिक का रेशियो दोनों का सेम होगा, वन वन यहाँ पे भी है, टू टू वन वन, 1:2:1, ये तो कॉमन है दोनों का, इसमें क्या कॉमन है, 1:2:1, बस डिफरेंस क्या है, सेम रेशियो, ठीक है।
यहाँ पे डिफरेंस क्या है, इसमें जीनोटाइप, जीन में डिफरेंस है, ठीक है। जीन इसका कैसा है, डोमिनेंट वाला एक बनेगा और रिसेसिव वाला भी एक बनेगा, और मिक्स्ड जो होगा इंटरमीडिएट, ओके, ये बनेगा दो। और फिनोटाइप में कैसा बनेगा, एक रेड होगा, दो पिंक होगा और एक वाइट होगा। यही यहाँ पे समझना है, जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो, ये अपन दोनों के बारे में डिस्कशन किए, मीरा मिलिस जलापा और एंटी रायनम मेजर्स के बारे में डिस्कशन किया, ओके। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में अपन यहाँ पे इसको समझा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी में अपन लेंगे, बस आपका सेम प्रोसेस अब करते जाओ। सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, यहाँ पे थर्ड जो एग्जाम्पल है, एंडालूसियन कॉल, ओके। इसमें क्या होगा डिफरेंस, ये हो गया ब्लैक, ब्लैक वाइट, बार बार उसको जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक को यहाँ पे नोट नहीं करूँगा मैं, बस इसको सेम ऊपर में जैसे डिटेल में समझाया, सेम प्रोसेस आगे लगाते जाओ, आपको रिजल्ट मिलता जाएगा, ओके। ये वाला कौन सा हो गया, पेरेंटल, ओके। जब ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट अपन का आएगा कैपिटल बी स्मॉल बी, ये किस कलर का होगा, ग्रीन, यानी दोनों पेरेंट से मैच नहीं करेगा। ये कौन सा जनरेशन हो गया, एफ वन जनरेशन, ओके। अब जब फर्दर इसमें सेल्फिंग होगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या कैसा आएगा, वही 1:2, 2:1, ये रेशियो आ जाएगा एफ टू जनरेशन में। ये रेशियो कहाँ कब आएगा, एफ टू जनरेशन, यहाँ पे फिर अगेन पुनेट स्क्वायर यहाँ पे डिनोट करो, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। नेक्स्ट ये हो गया कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी। तो ये रेशियो हो गया जीनोटाइपिक रेशियो, जी आर रेशियो, यहाँ पे कैसा आएगा, 1 कैपिटल बी कैपिटल बी 2 कैपिटल बी स्मॉल बी और 1 कैसा आएगा, स्मॉल बी, स्मॉल बी। और फिनोटाइपिक रेशियो, पी स्टैंड फॉर फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा कैसा, ब्लैक, ब्लैक कलर का, ओके। 2 कैसा रहेगा, मिक्स्ड है तो ग्रीन होगा, एंड 1 कैसा होगा, वाइट। ये जीनोटाइपिक, ओके, और ये वाला कौन सा हो गया, फिनोटाइपिक। बिल्कुल इजी है, ओके। तो ये अपने अपन ने क्या देखा, एंडालूसियन फॉल के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया। नेक्स्ट इसी तरह से होगा फोर्थ एग्जांपल, इसको यहाँ पे लिख लो, राइट डाउन करो, फोर्थ एंड लास्ट, फोर्थ एग्जांपल जो है स्टार्च ग्रेन साइज इन पी प्लांट, यानी पी प्लांट में अपन स्टार्च जो ग्रेन का साइज जो है वो अपन यहाँ पे देखेंगे। उसके लिए यहाँ पे क्या होगा, सेम प्रोसेस, यहाँ पे स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम कैपिटल बी स्मॉल बी है, ओके। यहाँ पे क्या देख रहे हैं अपन, ये जो कैपिटल बी है, कैपिटल बी वाला जो होगा ये हो गया लार्ज ग्रेन साइज, और स्मॉल बी जो होगा ये क्या होगा, स्मॉल ग्रेन साइज, यानी पी का जो साइज है वह स्मॉल होगा, स्मॉल बी अगर जीनोटाइप हो गया तो। डन,
जब ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगे तो कैसा कंडीशन बनेगा, कैपिटल वी स्मॉल वी, ओके। और जो कि इसका फॉर्म होगा इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट साइज ग्रेन, ओके। यानी कि ना तो ये छोटा होगा ना ही बड़ा होगा, बीच वाला होगा, ओके। F1 जनरेशन ही, कौन सा जनरेशन हो गया, F1, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा क्या, और F1 जनरेशन में अगेन सेल्फिंग होगा, तो F1 जनरेशन में सेल्फिंग F2 अपन को मिल जाएगा, और उसका रेशियो कैसा रहेगा, 1, ये हो गया जीनोटाइपिक, और 2 कैसा रहेगा, बी कैपिटल स्मॉल बी, ये वाला साइज इंटरमीडिएट साइज का रहेगा, और 1 होगा स्मॉल साइज का, ओके। तो ये रेशियो सब में सेम होगा, जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो ध्यान में रखना है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसे ही टर्म आए आपको ये वाला रेशियो याद में आ जाना चाहिए, 1:2, 2:1, ये यहाँ पे कंक्लूजन पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डन। तो ये हम लोगों ने देखा क्या, वन जीन इंट्रैक्शन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया, और इसके बारे में समझा उसका डिफिनेशन, ओके। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और 12th NCERT बायोलॉजी जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में आप रीडिंग लगा लेना इनकम्प्लीट डोमिनेंस को, ओके। स्टे ट्यून, मिलते हैं फिर अगले वीडियो अगले लेक्चर में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।